एक्सेलेंसी, प्रधानमंत्री के तौर पर मेरे नए कार्यकाल के शुरू में आपसे मिलना बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आपने मुझे बधाई अंतिम चुनाव परिणाम पहले से ही दे दी थी, और यही नहीं, आपने तो पिछले साल जब भारत आए थे तब भी मेरे चुनाव विजय की भविष्यवाणी भी कर दी थी। आपके जैसे पुराने और घनिष्ठ मित्र के उस विश्वास से मुझे बहुत ऊर्जा मिली। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं इस बात के लिए बहुत आभारी हूं कि रूस का जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोसल, दिए जाने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं, और भारत की जनता की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अमेठी में राइफल बनाने के प्रोजेक्ट को, उसकी स्थापना के लिए आपका जो समर्थन मिला, और मैं मानता हूं कि एक प्रकार से आपने खुद ने उसको अपने जिम्मे लिया और उसको जिस प्रकार से आपने आगे बढ़ाया, इसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और हम तय करें तो समय सीमा में कितना बड़ा काम कर सकते हैं, ये इस उदाहरण आपने प्रस्तुत किया, इसके लिए मैं आभारी हूं। और उसके मूल में हमारे दोनों के प्रति विश्वास और दोस्ती का माहौल बना है, तो उसका तो रोल है ही है, लेकिन भारत के घनिष्ठ और पुराने मित्र के रूप में रशिया की जो भूमिका है उसका भी बहुत बड़ा रोल है, और इसके लिए मैं फिर से एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये बात सही है कि हम लोग मिलेंगे आने वाले दिनों में, हम पंजाब जापान में भी मिलेंगे, और वहाँ भी मेरा मत है कि हमारा चाइना रशिया इंडिया जो समिट है वह उसको हमने आगे बढ़ाना चाहिए, हमारे बीच भी हमारी मुलाकातें बढ़ती रहनी चाहिए।